आपको क्या लगता है आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा था मैं अपना लाल रुमाल लेके नहीं आया? लाल रुमाल तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, चाहे कहीं से भी लेके आऊँ। नमस्ते शेखर जी। हेलो सुरिंदर, आज बड़ा हैंडसम लग रहा है। बुरा मत मान, आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर आज मैं अपनी आंखें ठीक कराऊंगा ऑपरेशन से, फिर मैं पहली बार सबको देखूंगा। डॉक्टर कहाँ चला गया? डॉक्टर साहब। हेलो। कैसी है आप? मुझे पहचाना? नहीं पहचाना मतलब ओए, वो पहचाना पहचाने, मैंने पहचान लिया। शेखर जी ऐसी लड़कियां होती है, इनको कोई जवान लड़का आके बता दो ना, ओ तेरा MMS YouTube पे आ गया, तभी आगे जाके मतलब। भाई शट अप, वो क्या हो ना, फौज में भर्ती नहीं हो पाई तो नर्स की नौकरी मिल गई, और मुझे पता चला है कि यहाँ ऐसी लड़कियां चलती है। ऐसी 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 लड़कियां होती है, ऐसी लड़कियां होती है। आधी रात को ना जवान जवान मरीजों को कह रही होती है, थोड़ा आगे हो, मैं भी जरा कमर सीधी कर लूं। ओ ये चलो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तू कैसी लग रही है? अच्छी है। मैं सुरेंद्र को पूछ रही हूँ। दर फिटे मुँह तेरा, पूछना तो इधर पूछ, सामने जहाँ से नंबर मिलने हैं वहां से क्या ढोलकी की थाप ले लगी? बदतमीज। सुरेंद्र का क्या है, परसों ना बिजली की तार से चिपका हुआ था, मैं क्या हुआ? पाजी तारे नंगी थी, मजा आ रहा है। तुम यहाँ क्यों आयो? मैं आंखें ठीक कराने आया हूँ। तुम अंधे हो ना, यहाँ जो बंदर चने खाने आते हैं उनको मैं लाइन में लगाता हूँ, चलो। तुम्हारी आंखें मैं ठीक करूंगी। हे भगवान, तूने मेरी सिर्फ आंखें क्यों खराब की? ओए ऐसे आंखें मेरी ठीक नहीं होनी, मेरा करेक्टर खराब हो जाएगा। अरे मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगी। हैं? पीछे पीछे, मैंने आंखों का ऑपरेशन कराना है, फैमिली प्लानिंग का नहीं। एक मिनट, ये भगवान, मेरा पहला ऑपरेशन है मेरी रक्षा करना। ओए, तो तेरा पहला ऑपरेशन है? हाँ। तो ये डायलॉग मेरा बनता है। मैंने नहीं कराना ऑपरेशन पहला। अरे ना ना, करा लो, आगे ठीक हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। बेवकूफ की बच्ची, शादी में आंखों का क्या काम? वैसे भी शादी वाली रात को जिनकी आंखें होती है वो बत्तियां बुझा देते हैं, मैं क्यों जगाऊं? मतलब ऑपरेशन करो। तो लेट जाओ। पहले आप ऑपरेशन कर रही हूँ, ऑफर नहीं दे रही हूँ, ले जा चुपचाप। साली ये अंधा आदमी है, जमीन पे लेटेगा कुछ चुप जाएगा, कुर्सी तेरा बाप ले आके देगा। चलो देखो, हाँ अभी 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद ही रखना। ओए मेरी बचपन से आंखें बंद है, अब क्या मैं आंखों को हड़ताल पे भेज दूं? देखो मुझे कपड़े चेंज करने, फिर ऑपरेशन भी तो करना है। बेवकूफ की बच्ची, पहले ऑपरेशन कर फिर कपड़े चेंज कर, मेरा कोई फायदा तो हो? अरे मैं अपना सामान तो निकाल दूं। ओ मेरी आंखें ऑपरेशन करके खोल, ऐसे ही ना खोल दे। अपने होंठों पे लिपस्टिक तो लगा दूं। होंठ? इनके बारे में बड़ा सुना है, होंठ। ये कैसे होते हैं? गरम। Oh God! मैंने टेस्ट नहीं पूछा, शेप पूछी है। शेप शेप है ना वो ऐसी। इधर भी समझा दे। एक बार और समझा दे। कोई भी स्क्रिप्ट हो, मेरा कोई भी प्रोफेशन हो, इसकी स्क्रिप्ट में पपिया जरूर आ जाती है। साल ये उनकी स्क्रिप्ट में इतने बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, मेरी स्क्रिप्ट में छोटी छोटी पपिया भी ना। ओए मुझे भी तो चैनल वालों ने यूज करने के लिए माल दिया हुआ है। अब आप ही बताओ शेखर जी, आप बताओ। इतना मजा आ रहा है। मैं कहता हूं आज तू समझा ही दे, ऑपरेशन बाद में कर लेंगे।
देखो जो तुम्हें समझाने का टाइम था ना वो खत्म हो गया, मुझे दूसरे पेशेंट्स को भी समझाना है। ए! दूसरे पेशेंट को समझाना है मुझे पता है। तू जिनको समझाती है आज मुझे दिख नहीं रहा तो ऐसे कपड़े पहन के आ गई है। लोग ना ट्रेंड बदलता कपड़े बदले तो तू ट्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड ही बदल लेती है। अरे ओ, मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है, थोड़ा एंजॉय तो करने दे। रोज शूटिंग के बाद मेरा नंबर ले जाती है, फोन क्यों नहीं करती? यार तू पर्सनल बातें क्यों कर रहा है इससे? तू चुप कर। आज मुझे दिख नहीं रहा तू सरकारी अस्पताल की नर्स बन के आ गई है। बदतमीज, मेरी नजरों के सामने आई ना मैंने तेरी नजरें निकाल देनी है, नजरें निकाल देनी। अरे मैं यहाँ यहाँ घूम, यहाँ घूम, तुझे पता मुझे दिखता नहीं, तू घूम के सामने नहीं आ सकती। इधर घूम उधर घूम। ओके फाइनल ऑपरेशन डार्लिंग, प्लीज बैठ जाओ, लेट जाओ। अब ना यहाँ कपड़ा बांध के शेव कर दे। देखो हाँ। अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ दिखने लगेगा। सबसे पहले क्या दिखना चाहते हो? मैं ऊपर वाले का गुणगान करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे एफटीवी दिखा दो। एफटीवी क्यों? क्यों? क्योंकि जहाँ एफटीवी चलता है ना वहां से एक ही आवाज आती है, ऊपर वाले क्या चीज बनाई है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। ऑपरेशन सफल हो गया, मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है। ये कौन है? ये शेखर सुमन। हाय, लगता है नहीं इंसान है। ऐसे लगता है मक्खन इकट्ठा करके आदमी बना दिया। इतना दिख रहा है। और साथ में ये अर्चना, अर्चना, अर्चना। हाय, इतनी खूबसूरत औरत। ये खूबसूरत लग रही है? नजर गंदी होनी चाहिए, कोई भी खूबसूरत लगता है। मुझे कॉमेडी सर्कस का राजकुमार दिखाओ। कॉमेडी सर्कस का वो शहजादा दिखाओ जिसके बिना कॉमेडी सर्कस पूरा नहीं होता। याद आया, याद आया, याद आया। सुरेंद्र। हाँ, कहाँ है, कहाँ है वो? वाह वाह वाह। मैं अंधा बुरा था, इतने मजे आ रहे थे। नहीं देखनी मुझे तेरी दुनिया। डाई। अरे यार आंखें क्यों फोड़ दी, नंबर तो देख लेता। सालिये ये तो बहाना है, नंबर ना देखने के लिए आंखें फोड़ी हैं। थैंक यू, सुपर। वाह, फैंटास्टिक।